नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे आप सभी। देखिए, एक नया फाल्ट लेके आए हैं। इसमें दिक्कत ये है कि रिमोट ही नहीं काम कर रहा है। देखिए, टीवी तो चालू है, देखिए यहाँ पे फैक्ट्री मूड खुला हुआ है देखिए, और इसमें रिमोट नहीं काम कर रहा है। रिमोट का कोई भी बटन काम ही नहीं कर रहा है, ना मेनू खुल रहा है, ना वॉल्यूम डिम, कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये जो बटन है, बटन काम कर रही है। देखिए देखिए, यहाँ पे बटन काम कर रही है लेकिन रिमोट काम नहीं कर रहा है। तो इसमें देखते हैं क्या दिक्कत हो सकती है। इसका सेंसर भी ख़राब हो सकता है, और रिमोट तो हमने दो तीन रिमोट चेंज करके देखा, शायद रिमोट में दिक्कत हो। लेकिन दो तीन रिमोट चेंज किया, लेकिन दूसरे टीवी में भी चेक किया तो रिमोट तो सही है, रिमोट सही से काम कर रहा है। लेकिन इसी टीवी में रिमोट काम ही नहीं कर रहा है। हो सकता है सेंसर भी ख़राब हो सकता है, या तो सेंसर में सप्लाई न सही से आ रही हो, उसमें भी दिक्कत हो सकती है। चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि ये फॉल्ट कहाँ से आ रहा है। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, तभी आप लोगों के समझ में आएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमने टीवी को खोल लिया है। देखिए, ये इसका सेंसर है। देखिए, इसमें लाइट जल रही है, लाइट जल रही है, तो इसका मतलब कि सप्लाई आ रही है। इसको हम चेक करेंगे बारी बारी से, आपको चेक करके दिखाएंगे कहाँ पे फॉल्ट है। यहाँ पे AIR में 5 वोल्ट की सप्लाई आती है, यहाँ पे चेक करेंगे। देखिए, यहाँ पे सप्लाई आ रही है 5 वोल्टेज के आसपास सप्लाई। देखिए, यहाँ पे आ रही है, सप्लाई प्रॉपर मिल रही है, लेकिन फिर भी हमारा सेंसर काम नहीं कर रहा है, रिमोट ही नहीं काम कर रहा है। हमने यहाँ पे दूसरा सेंसर भी लगा के देखा, फिर भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। अब हम यहाँ पे मेमोरी आईसी है, देखिए ये, इसको चेंज करके देखेंगे, क्योंकि मेमोरी आईसी के ख़राब हो जाने से भी ऐसी दिक्कत होती है। मेमोरी आईसी अगर गड़बड़ हो तो उसमें भी रिमोट नहीं काम करेगा आपका, और पिक्चर भी नहीं आएगी, एवी मूड भी नहीं आएगा, अगर मेमोरी आईसी सही से वर्क नहीं करेगी। क्योंकि मेमोरी आईसी में सारा सिस्टम स्टोर रहता है, अगर कोई भी दिक्कत हो गई तो इस मेमोरी आईसी से भी गड़बड़ हो सकती है। आप इसको एक बार चेंज करके देख सकते हैं, हो सकता है मेमोरी आईसी में दिक्कत हो, इसलिए हम एक बार इसको मेमोरी आईसी को भी चेंज करके देख लेते हैं, फिर आगे बताएंगे और आगे कहां कहां से फॉल्ट आ सकता है। एक बार हम इसको पहले चेंज करके देख लेते हैं। यहां पे देखिए, ये छोटी सी मेमोरी आईसी लगी हुई है, 8 पिन की होती है ये। इसको हम निकाल के यहां पे दूसरी मेमोरी आईसी लगाएंगे। यहाँ पे देखिए, ये मेमोरी आईसी लगी हुई है मेन आईसी के बगल में। यहाँ पे 5 वोल्टेज की सप्लाई आती है, यहाँ का भी वोल्टेज चेक कर लें। अगर वोल्टेज नहीं आएगा तो भी दिक्कत हो सकती है, लेकिन वोल्टेज आ रहा है तभी तो टीवी ऑन है। अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं आता तो टीवी हमारी नहीं चालू होती। यहाँ पे टीवी हमारी चालू है, फिर भी रिमोट नहीं काम कर रहा है। इसके ख़राब होने से कई फॉल्ट देखने को मिलते हैं। कभी एवी मूड नहीं दिखाई देगा, कभी पिक्चर नहीं दिखाई देगा, कहीं रिमोट ही नहीं काम करेगा। इसके फॉल्ट होने से कई दिक्कतें सामने आती हैं, इसलिए इसको एक बार चेंज करके देख लें। इसमें कई टाइप की मेमोरी ऐसी आती हैं, 0.8 हो गया, 16 हो गया,
आपके पास जो हो उसको लगा के एक बार चेक कर लें, क्योंकि इनमें सभी पिन एक ही होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 08 की भी हो सकती है, 16 की भी हो सकती है, 24 की भी हो सकती है। ये मेमोरी ऐसी है, इसके सभी पिन एक जैसे होते हैं। देखिए हमने इसको निकाल लिया है, ये 08 की है, तो हम यहाँ पे देखिए 016 की लगा के चेक करेंगे, क्योंकि 08 की हमारे पास है नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे 16 नंबर की मेमोरी आईसी को लगा के चेक करेंगे। देखिए आप इसको जिस तरह से निकालें उसी तरह से लगाएं, उल्टा मत लगा दें, नहीं तो फिर ख़राब हो जाएगी ये, क्योंकि इसमें एक बीच में पॉइंट दिया रहता है, उसी हिसाब से यहाँ पे लगाएं, देख लें जिस तरह से लगी हो उसी तरह से लगा दें, उल्टा मत लगाएं, नहीं तो कई फॉल्ट भी आ सकते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक काम करें। अब इसको हम सोल्डरिंग कर देंगे। अगर आपके पास सेम नंबर की आईसी नहीं है तो आप कोई भी आईसी लगा के चेक कर सकते हैं, 08 हो गया, 016 हो गया, 24 हो गया, इनमें से कोई भी नंबर आप लगा के चेक कर सकते हैं एक बार, क्योंकि ये सभी सेम आईसी होती हैं। इसको अच्छे से सोल्डिंग कर देंगे। अगर रिमोट काम नहीं कर रहा है तो मेमोरी आईसी से भी दिक्कत हो जाती है। अगर आपकी टीवी में पिक्चर नहीं आ रहा है तो आप मेमोरी आईसी को चेंज करके देख सकते हैं, क्योंकि इस ये भी फॉल्ट देखने को मिला है, कभी ए वी मोड नहीं हो खुलेगा, तो उसकी वजह से भी यहाँ से दिक्कत हो सकती है। इसमें कई प्रकार के फॉल्ट देखने को मिले हैं, आप इसको एक बार चेंज करके देख सकते हैं। चलिए अब हम इसको लगा दिया है, अब एक बार चेक करके देखेंगे कि हमारी टीवी सही हुई कि नहीं हुई, रिमोट हमारा काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। इसको अच्छे से एक बार क्लीन कर दें, यहाँ पे इसको अच्छे से साफ करके देख लें, कहीं ताका कोई जुड़ा तो नहीं है। एक बार अच्छे से हमने इसको साफ करके यहाँ पे देख लिया है, अब इसको हम चेक करके देखेंगे कि हमारा रिमोट काम करता है कि नहीं करता है। चलिए हम आपको दिखाते हैं, चलिए देखते हैं कि हमारा फॉल्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आपको आगे दिखाते हैं। टीवी को देखिए हमने चालू कर दिया है, देखिए यहाँ पे पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया। देखिए पहले यहाँ पे फैक्ट्री मोड लिख के आ रहा था, अब यहाँ पे देखिए बुश लिख के आ रहा है, देखिए रिमोट भी काम करने लगा, क्योंकि मेमोरी आईसी में सारा सिस्टम स्टोर रहता है। कोई भी मेमोरी आईसी अगर चेंज करेंगे तो जो उसमें सिस्टम स्टोर है वही आ जाएगा यहाँ पे। देखिए रिमोट सही से हमारा काम कर रहा है बिल्कुल, क्योंकि वो मेमोरी आईसी हमारी ख़राब थी जिसकी वजह से रिमोट नहीं काम कर रहा था। रिमोट भी देखिए काम कर रहा है, इसका सिस्टम भी देखिए अलग तरह से दिख रहा है। इस पहले इसमें लोगो नहीं आता था, देखिए यहाँ पे बुश लिख के आ रहा है, जबकि ये वेस्टर्न कंपनी की टीवी है ये, लेकिन ये बुश कंपनी बुश की किट से हमने ये मेमोरी निकाल के यहाँ पे लगाई है, तो देखिए यहाँ पे बुश लिख के आ रहा है। अगर आपके टीवी में ए वी लिख के नहीं आ रहा है
तो आप मेमोरी आईसी को चेंज करके देख सकते हैं, क्योंकि ये भी दिक्कत आ जाती है कभी कभी। अगर पिक्चर नहीं आ रही है तो आप मेमोरी आईसी को चेंज करके देख सकते हैं, क्योंकि इसके कई रीज़न हो सकते हैं। इसलिए एक बार आप मेमोरी आईसी को चेंज करके देख लें, आपका फॉल्ट दूर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। हमारे चैनल पे नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।